नेता प्रतिपक्ष आज मंदिरों में कसमें खाकर कह रहे हैं कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। 5 वर्ष तक उनकी सरकार रही, ओपीएस लागू नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओपीएस पर जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है सबसे पहले। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की हरोली में बनने जा रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीति की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण को लेकर कई अड़ंगे भी अड़ाए गए। ये बात प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। राकेश जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं तो कहूंगा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जो नेता प्रतिपक्ष आज मंदिरों में कसमें खाकर कह रहे हैं कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, 5 वर्ष तक उनकी सरकार रही, ओपीएस लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस के मित्रों ने एक बात उसमें कही है कि हम ओपीएस लागू करेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ओपीएस लागू कब हुई, प्रदेश में किसकी सरकार थी? उन्होंने कहा कि उसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओपीएस पर जो एमओयू पर हस्ताक्षर जो है सबसे पहले किए थे। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 2004 से लेकर 9 तक और 2009 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 10 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, तब ओपीएस को लागू नहीं कर पाए। 2012 से लेकर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आज चुनाव आते देख इस प्रकार की घोषणा करना, मुझे लगता है कि हिमाचल का कर्मचारी हर बात को जानता है। हिमाचल प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है और कर्मचारी भी इस बात को समझ रहा है कि आज चुनाव को देखते हुए मात्र घोषणाएं कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।